नमस्कार, आप देख रहे हो राष्ट्र हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खबर सामने आई है ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़ के निवासी कवियत्री, लेखिका और साहित्यिक संस्था डिब्रू साहित्य संस्कृति जनमंच की सदस्य सविता केसान की पहली काव्य पुस्तक गुजारिश है तुझसे न रूठे ए जिंदगी के अनावरण समारोह का आयोजन डिब्रू साहित्य संस्कृति जनमंच के सहयोग से शहर के अमलापट्टी स्थित जिमखाना क्लब परिसर में किया गया। इस अवसर पर विमोचन सभा की अध्यक्षता की डिब्रूगढ़ साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष दुर्लभ चेतिया, उन्हीं के साथ मंच सीन थे कवि एवं चिकित्सक डॉक्टर प्रणय फूकन, साहित्यकार देवी प्रसाद बागड़ोदिया, DSHK कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शशिकांत सेकिया, जाने माने साहित्यकार और चिकित्सक डॉक्टर निर्मल साहिवाला और व्योवृद्ध समाज सेवी रामदेव केड़िया। चलिए अब सुनते हैं इनकी पहली पुस्तक जो कि पब्लिश हुई है सविता केसान जी की, उनका इस अवसर पर क्या कुछ कहना है। मैं सविता केसान यहीं डिब्रूगढ़ के रहने वाली हूँ। ये मेरी पहली किताब है, गुजारिश है तुझसे ना रूठ ए जिंदगी। मैं बहुत टाइम से लिख रही थी ऐसा तो, पर पब्लिश ये पहली बार हुई है। इसमें जिंदगी के हर रंग डाले हुए हैं, खुशी भी है, गम भी है, प्यार भी है, जुदाई भी है, सब कुछ शामिल है इसमें। जैसा कि आपने सुना कि उनकी इस पुस्तक में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर रंग डाले हैं, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो उदासी हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन्होंने सभी रंगों से इस पुस्तक को सजाया है। इस पुस्तक का प्रकाशन प्रयागराज यूपी के प्रसिद्ध अंजुमन प्रकाशन द्वारा किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र हिंदी न्यूज़। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।